हेलो बच्चों, आप सबको अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में। हमारे आज के ऑब्जेक्टिव्स हैं टू नो द एनाटॉमी एंड लोकेशन ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड, फंक्शंस ऑफ हॉर्मोन्स सिक्रेटेड बाय पैराथायरॉयड ग्लैंड, and to know about the diseases which are caused due to hypersecretion and hyposecretion of parathormone. Location of parathyroid gland. जैसे कि आपने इससे previous lecture में देखा था कि thyroid gland हमारे neck region में स्थित होती है, ये आप देख रहे हैं thyroid gland, और जो parathyroid gland की location है वो इस थायराइड ग्लैंड में अंदर की तरफ यानी कि ट्रैकिया की तरफ फेस करते हुए स्थित होती है। ये चार बीट्स के रूप में थायराइड ग्लैंड पर धसी हुई होती हैं। ओके, एंड दिस पैराथायराइड ग्लैंड इज अबाउट 6 मिलीमीटर्स लॉन्ग, 3 मिलीमीटर वाइड एंड 2 मिलीमीटर थिक। सो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि द लोकेशन ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड इज इट एम्बेडेड इन थायरॉयड ग्लैंड लाइक फोर स्मॉल बीट्स। हॉर्मोन्स ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड, तो जो पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है इट इज कॉल्ड पैराथॉर्मोन, क्योंकि एक पेप्टाइड हॉर्मोन है तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है, अमाइनो एसिड्स। ये आप देख रहे हैं देयर आर 84 अमाइनो एसिड्स, लेकिन ये माना जाता है कि 1 to 34 अमाइनो एसिड्स ही बायो एक्टिव हार्मोन की तरह काम करते हैं जो कि पैरा थॉर्मोन होता है, और यही इस ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है। ये जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है ये चीफ सेल्स और ऑक्सिफिल सेल्स से मिलकर के बनी हुई होती है, और जितना भी पैराथायरॉयड हार्मोन या पीटीएच का संश्लेषण होता है और श्रावण होता है वो चीफ सेल्स के द्वारा होता है। जबकि ये माना जाता है कि जो ये ऑक्सिफिल सेल्स हैं ये या तो मॉडिफाइड चीफ सेल्स हैं या फिर वो डिप्लीटेड चीफ सेल्स हैं जो कि पीटीएच का निर्माण नहीं करती हैं। फंक्शंस ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन, बिकॉज दिस ग्लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट रिलीज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैराथॉर्मोन विच प्रोवाइड्स अ पावरफुल मैकेनिज्म फॉर कंट्रोलिंग एक्स्ट्रा सेल्यूलर कैल्शियम एंड फॉस्फेट कॉन्सेंट्रेशन। तो ये क्या करता है पैराथॉर्मोन, क्या करता है कि ये कैल्शियम और फॉस्फेट की कॉन्सेंट्रेशन को कंट्रोल करके रखता है शरीर के अंदर, और इसके लिए हमारे शरीर के जो 3 महत्वपूर्ण अंग हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। वो कौन कौन से हैं, बोन, इंटेस्टाइन एंड किडनी। ओके, सो पैराथायरॉयड हार्मोन रेगुलेट्स कैल्शियम एंड फॉस्फेट बाय कंट्रोलिंग व्हाट, नंबर वन इंटेस्टाइनल रीअब्जॉर्प्शन। यहां पर रीअब्जॉर्प्शन होता है कैल्शियम का, बीमारी हो जाती है, राइट। और इसी तरीके से अगर पैराथॉर्मोन की कमी होगी तो उससे क्या होगा कि इट कॉजेज हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है, जिसको टिटैनी भी कहते हैं, और ये परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, स्पॉटिंग में भी आपके पास ये स्पॉट्स रखे जाते हैं। आप ये पिक्चर से समझ सकते हैं कि ये होता, इसमें क्या होता है, हाथ आपके जो हमारे जो हाथ हैं वो टिटैनी में क्या हो जाते हैं, एक स्पाज्म से अकड़न आनी शुरू हो जाती है, तो एक्सेस होगा, ठीक है, तो एक्सेस पैराथॉर्मोन सिक्रीट होगा अगर, तो कैल्शियम सॉल्ट्स जो हैं बोन से तेजी से रिलीज होने लगेंगे, और कमी होगी अगर हार्मोन की तो टिटैनी नामक रोग उत्पन्न हो जाएगा। नाउ समरी में हम जान लेते हैं कि ये जो आपको मैंने जैसे कि पिछली स्लाइड्स में भी बताया था कि 3 हमारे जो ये इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं बोन, किडनी एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ये कैल्शियम रेगुलेशन में इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले
निभाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि अगर कैल्शियम का जो लेवल है वो डाउन होता है तो इस ग्लैंड में जो कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर है, आप ये देख रहे हैं, सेंस कर लेते हैं कि कैल्शियम कम हो रहा है, चलो भाई ग्लैंड अपना हार्मोन निकालना शुरू करो। और ये हार्मोन बोन को मैसेज देगा कि आप कैल्शियम रिलीज करना शुरू करिए, और यहाँ पर कैल्शियम रिजॉर्प्शन शुरू हो जाता है। और इसी प्रकार जो है किडनी में भी क्या होता है कि यहाँ पर जो है फॉस्फेट तो बाहर रिलीज होता है तो कैल्शियम रीएब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। और तीसरा जो मैंने आपको बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन, ये विटामिन D125 डाइहाइड्रोक्सी कॉल कैल्सीफेरॉल की उपस्थिति में या उसकी हेल्प से जो है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में काम करता है। तो इस तरीके से ये कैल्शियम जो है उसको लेवल को बैलेंस इस साइकिल के द्वारा आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से कैल्शियम का बैलेंस हो रहा है बॉडी में। सो दिस इज ऑल अबाउट दी पैराथॉर्मोन एंड पैराथायरॉइड ग्लैंड। थैंक यू सो मच।